अभिमान उसे आता है जो अपने आप को कर्ता मानता है, जो अपने आप को कर्ता समझता है, जो अपने आप को, बोलो सेंटेंस याद करो, जो अपने आप को कर्ता समझता है, जो अपने आप को कर्ता मानता, मैं कर रहा हूं, जो ये सोचेगा कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, यदि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो वह अभिमान आएगा। और सदा आप ये सोच के चलें कि मैं नहीं, मेरे भगवान सब कर रहे हैं, कर्ता भगवान है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। जो कर्ता भगवान को मानेगा उसे कभी अभिमान नहीं आएगा, और जो कर्ता अपने आप को मानेगा उसे। तो आज से आप लोग अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे, कर्ता किसे मानेंगे सदा? सब कुछ कौन कर रहा? अच्छा ये सच्ची बताओ, रियल बताओ, गहराई से सोच के बताओ, आप कुछ कर रहे हैं? मुझे बताओ, आप कितने लोगों का पेट भर रहे हैं? आप बताओ मैया, आप कितने लोगों का पेट भरती हो? जल्दी बताओ, आप बताओ भैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? आपसे सवाल, सिर्फ अपना नहीं, पत्नी भूखी रहती है आपकी? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? दो, चार, दस, बीस, पचास, सौ? चार लोगों का? आप बताओ कितने लोगों का पेट भरते हो आप? पूरे परिवार का? तो अभी तक आप ही भर रहे हैं, तो आप चले जाएंगे, सब भूखे मरेंगे फिर। बताओ आप कितनों का पेट भर रही हो मेरी माँ? भैया जी आप कितनों का? कोई किसी का पेट नहीं भर रहा है, कोई किसी का पालनहार नहीं है, सबके पालनहार भगवान है, मानो ना मानो। सच्ची बताना, आप कहते हैं मैं परिवार का पेट भर रहा हूं, आप नहीं होंगे तो क्या आपका परिवार भूखा मरेगा? ये ना सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये सोचो कि भगवान तुमसे करा रहे हैं, ये सोचो कि भगवान तुम्हें निमित्त बना के तुमसे कुछ करा रहे हैं, करने कराने वाले वही हैं, हम निमित्त हैं, हम ना होंगे तो भी हमारा परिवार भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि सबके पालनहार, सबका पालन कौन करता है? सच्ची बताना, यदि माँ बच्चे को दूध ना पिलाए तो क्या बच्चा मर जाएगा? बोलो बोलो बोलो, नहीं। तो 9 महीने तक बच्चा मां के पेट में था तब मां दूध पिलाने पेट में जाती थी क्या? जिस परमात्मा ने पेट में 9 महीने नहीं मरने दिया, जिस परमात्मा ने 9 महीने तुम्हें पेट में खिलाया है, वही परमात्मा तुम सबका पालनहार है। 9 महीने तक उसने खिलाया है कि नहीं? और उसके बाद आज तक वही खिला रहा है। हम तो ये केवल अभिमान कर रहे हैं कि मैंने खिलाया, मैंने दिया, मैं ना होता तो ये होता। एक बाप बोला मैंने बेटियों का विवाह किया, तो तुम ना करते तो तुम्हारी बेटी अभी तक कुंवारी बैठी रहती क्या? तुम ना पिलाती दूध अपने बच्चे को तो तुम्हारा बेटा मर जाता क्या? कितने बच्चों की मम्मियां पैदा होती मर जाती हैं, तो क्या उनके बच्चे भी मर जाते हैं? सबका पालनहार। इसलिए कभी अपने आप को कर्ता ना समझना। कर्ता कौन है? कर्ता हमारे श्रीमन भगवान, हमारे श्याम सुंदर कर्ता है। सब कुछ मेरे कन्हैया कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो हम नहीं, हमसे हमारा कन्हैया करा रहा है बस। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 250 माताएं रहती हैं, तो क्या हम कर रहे हैं इनकी सेवा? ना, हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे करा रहे हैं, भगवान ने हमें निमित्त बना रखा। करते तो यही है, हम में क्या ताकत, हमारी क्या औकात कि हम कुछ कर सकें? हम तो एक रोटी भी नहीं कमा सकते, हम में काबिलियत नहीं है। आज हम बोल रहे हैं तो क्या ये वाणी हमारी है? भगवान ना दे बोलने की वाणी तो क्या बोल लूंगा मैं? गूंगा बना देते तो क्या बोल लेता निरुद्धाचार्य? तो वाणी इन्होंने दी तब ना बोल रहा हूं, आंखें इन्होंने दी तब तो देख रहा हूं। मेरे वश में होता तो कोई अंधा ही क्यों होता? तुम्हारे वश में है तो तुम अंधे क्यों हो रहे हो? कौन, वो लोग अंधे क्यों हो गए?
मतलब भगवान के पास सबकी चाबियां हैं, आंखों की, जेहवा की, कान की, हाथ पांव की। जब तक आपने बाजार से गुड्डा लाए ना 20 रुपए का चाबी वाला गुड्डा, चाबी भर के छोड़ा तो खुट 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 चलता है, उतनी ही देर चलता है जितनी आपने उसकी चाबी भरी है। आप लोग उतना ही चलेंगे जितनी चाबी मेरे कन्हैया ने भर रखी है। चाबी खत्म, आप खड़े खड़े गिर जाएंगे। एक मिनट का भी समय मिल जाए एक्स्ट्रा तो मुझे बताओ, बोलो भैया। आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता है या नहीं, बैठा बैठा लुढ़क जाता है कि नहीं, प्राण जाने में देर लगती है क्या? तो कौन चला रहा है तुम्हें, वो तुम्हारे परिवार को, वो तुम्हारे बच्चों को कौन खिला रहा है? कभी ना कहना कि मैं खिला रहा हूं, कभी ना कहना कि मैं पालनहार हूं, सदा यही मानना कि हमारे पालनहार तो हमारे भगवान है। कौन है मेरी माँ पालनहार? तो हम कौन है? हम निमित्त हैं। हम कौन हैं? निमित्त हैं। सही है, बोलो हाँ या ना। तो आज से आप लोगों को अभिमान रहेगा या नहीं? अभिमान किस बात का? कई लोग छाती फुला के चलते हैं ऐसे, साहब मैं तो साहब बन गया। छाती फुला के चलते हैं, जरा गाड़ी क्या आ गई, जरा बंगला क्या बन गया, जरा दो पैसे क्या आ गए, आदमी उड़ने लग जाता है। अपनी औकात ना बहुत जल्दी भूल जाता है ये आदमी। आज का आदमी अपनी औकात भूल जाता, वो ये भूल जाता है कि हमारी असली औकात क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, आप भूल जाओ तो क्या हुआ, ये अनिरुद्धाचार्य बैठा है आपको आपकी औकात याद दिलाएगा। मैं आपको आपकी औकात याद दिला दूंगा, बुरा ना मानना पर औकात याद दिलाता हूं सबकी। क्या औकात है हमारी, मेरी भी इसमें सम्मिलित है। ये दास अनिरुद्ध आपसे यही कहेगा हमारी औकात क्या है। आपको आपकी औकात बता दूं, इसमें मेरी भी आएगी, मैं भी आपसे अलग नहीं हूं। तो मेरी औकात क्या है, सुनो। जब तक आपके पास सब है ना, गाड़ी है, बंगला है, बड़े बड़े गाड़ियों में आप चलते हैं, करोड़ की गाड़ी है आपके पास, करोड़ों का बंगला है, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं आप लोग, लेकिन याद रखना जब मरोगे ना तो ना गाड़ी पे जाओगे ना महंगे कपड़े पहन के जाओगे, वो लकड़ी की अर्थी आएगी उस पर लेट के जाओगे और लकड़ी की चिता पर जलोगे। आपकी आपका आखिरी बिस्तर क्या है, आपका आखिरी बिस्तर क्या है, जोर से बोलो चिता। हमारा आखिरी बिस्तर क्या है? अभी तो महंगे महंगे गद्दों में सो लो, कितना भी सो लो, कितने भी आनंद ले लो, लेकिन अंतिम यात्रा में अंतिम सैया है चिता, और चिता में जब आग लगेगी तो फिर हम जल के क्या बन जाएंगे, राख। और राख, मुट्ठी भर राख जब हवा चलेगी तो उड़ जाएगी। उसी राख को आप 25-50 रुपए के घड़े में भर देते हैं और लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, कल तक बड़ी गाड़ी में चलता था, आज 25 रुपए के घड़े में चल रहा है। यही औकात है आपकी और हमारी, यही असलियत है आपकी और हमारी। आज कितनी भी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, लेकिन एक दिन वो आएगा, एक समय ऐसा दिन लाएगा कि आप 25 रुपए के घड़े में समा जाएंगे, पूरी अस्थियां आ जाएंगी, और चुटकी भर मुट्ठी भर राख कोई हाथ में लेके फूंक मारेगा, उड़ जाएगी आपकी राख, उड़ जाएगी। तो आप क्या है, मुट्ठी भर राख है, मुट्ठी भर राख हो, और बातें बड़ी बड़ी करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यही तो अभिमान है। तो आप में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख बनेंगे? सब बनेंगे? तो अभिमान तो नहीं करोगे? जब भी अभिमान आए तो आप अपने घर के सामने 25 रुपए का घड़ा टांग लेना, जब भी आपको अभिमान आए तो घड़े पे नजर चली जाए कि एक दिन इसके अंदर आना है। अभिमान किस बात का, जीवन सादगी से जियो, सादा जीवन, उच्च विचार, अभिमान भरा जीवन नहीं। रावण अभिमानी था, सर्वनाश हो गया कि नहीं? रावण जैसों का अभिमान नहीं टिका,
तो हमारा और आपका कितने दिन टिकेगा। इसलिए ना आप कुछ करते हैं ना हम कुछ करते हैं, हमारे और आपके द्वारा सब मेरे कन्हैया ही कर रहे हैं। यही सत्य है इस धरती का, कोई माने ना माने, पर करने कराने वाले कौन। यदि आप सब कर रहे होते तो आपके अपने आप को छोड़ के चले गए, रोका क्यों नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है, चलो मुझे ये और बता दो, लगे हाथ आपके हाथ में क्या है, क्या है आपके हाथ में, क्या है, है कुछ बोलो मेरी मां। कुछ नहीं। यदि आपके हाथ में कुछ होता तो आप कुछ कर लेते, आप अपनी आंखों को रोक ना पाए कम दिखने लगा, बालों को रोक ना पाए सफेद हो गए, काले थे सफेद हो गए, आप अपनी कमर को रोक ना पाए दर्द करने लगी, घुटनों को रोक ना पाए दर्द करने लगे, ये शरीर को आप ना रोक पाए क्योंकि आपका है ही नहीं, काल के गाल में जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ आपकी बेटी का विवाह कब होगा, जब आप चाहेंगे तब या जब भगवान चाहेंगे तब। यदि आपके चाहने से हो जाता तो आप तो चाहते हैं कि हो जाए, फिर क्यों नहीं हो रहा है। आपके चाहने पर भी नहीं होगा तब तक जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे तत्काल हो जाएगा। बताइए धन आपके चाहने से आएगा कि भगवान के चाहने से। आप तो चाहते हैं कि हम धनवान हो जाएं, पर धन तब मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी, चाहते तो सब है। आपका चाह होता है क्या, लोग कहते हैं महाराज जी हम सोचते हैं होता ही नहीं है कुछ। अरे आज तक किसी का सोचा हुआ है कि तुम्हारा होगा, कितनी भी सोच रख लो कितना भी सोच लो, तुम्हारा सोचा कभी होना ही नहीं है, होगा यही जो ये सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच डिलीट कर दो, जो ये कर रहे हैं उनको करने दो, भगवान जो कर रहे कराए ठीक है, इनके पीछे पीछे अपने आप को जोड़ दो, जो ठाकुर। हाँ कर्म करते रहो, मैं ये नहीं कहता कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ, कर्म तुम करो, पर कर्म भी करने के बाद होगा वही जो ये चाहेंगे। किसान खेत में बीज बो सकता है, पानी डाल सकता है, खाद डाल सकता है, फसल कितनी आएगी ये कौन तय करेगा बोलो। तुम बो ही तो सकते हो, फसल कितनी, एक कुंटल होगा कि दस कुंटल होगा कि बीस कुंटल, ये कई बार किसानों का अगल बगल खेत है, सबने बराबर खाद पानी डाली, पर किसी की फसल ज्यादा होती है किसी की कम, हाँ या ना, उसको उतना ही मिलता है जितना परमात्मा देना चाहते हैं। इसलिए इनके चाहे सब होगा, तुम्हारे चाहे कुछ ना होगा, इसलिए सोचो ही ना ज्यादा, डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच सोच के, तुम्हारा सोचा कुछ हुआ है कि आगे होगा, तुम्हारे बाप दादे सब सोच सोच के मर गए, ना वो उनका सोचा पूरा हुआ ना तुम्हारा होगा, काहे सोचते हो। मैया आपका रानी हार कब बनेगा मेरी माँ, जब आप चाहोगी तब या जब भगवान चाहेंगे तब। आपका घर तब कब बनेगा, जब आप चाहोगे तब या जब भगवान चाहेंगे तब। आप तो चाहते हैं हमारा भी बंगला हो हमारा भी घर हो, आप सोचते सब हैं चाहते सब हैं, पर पूरा तभी होता है जब भगवान की, जब भगवान की। जोर से बोलो मेरी माँ। तो ये दुनिया तुम चला रहे हो कि भगवान। तो आज से आप लोग किसके हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से कि भगवान के। जो हो रहा है, दादाजी चले गए ऊपर, किसकी मर्जी से गए, किसकी मर्जी से गए, पत्नी चली गई ऊपर किसकी मर्जी से गई, और आई किसकी मर्जी से थी, जिसकी मर्जी से आई थी उसी की मर्जी से चली गई, तुम रोते क्यों हो। इस धरती पे हमारा चाहा तुम्हारा चाहा कभी नहीं हुआ, हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही, कर्म तुम करो कर्मों का फल कितना मिलेगा ये भगवान। इसलिए चिंता नहीं,
खुश रहा करो, बोलो घी ही 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 ही। थोड़ा हंसा करो मेरी माँ, होगा तो अब तुम रो चाहे गाओ, होना वही है जो ये चाहेंगे, इसलिए तुम तो खुश रहो। आपके चाहने से कुछ तो, आपकी बेटी के लिए लड़का कैसा मिलेगा? जैसा आप चाहते हैं वैसा, या जैसा भगवान चाहते हैं वैसा? बोलो, आप तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मिले, पर मिलेगा वही जो उसके भाग्य में होगा और जो भगवान ने तय कर रखा होगा। इसलिए कर्म तुम करो और खुश रहो, जो होना है वही होगा। क्यों मैया, अभी दिन है कि रात है? अभी क्या है, दिन है ना। अब आप में से कौन वो लोग हैं जो अभी दिन को रात बना सकते हैं? है कोई? ना तो हम दिन को रात बना सकते हैं, ना रात को दिन, ना तो हम समय बदल सकते हैं, ना तो हम लोगों को बदल सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, पर अपने अधरों पर, अपने होठों पर मुस्कान तो रख ही सकते हैं। जो कर सकते हैं वो कर लें, जो होगा होगा, तुम खुश रहो। मैया, ओ मेरी माँ, बताओ आपके चाहने से क्या होता? कुछ नहीं। तो आज से चाहोगी? आज से कुछ नहीं चाहना, ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर दो। जो आप बताओ, कल आप लोग क्या खाओगी? कल आप लोग क्या खाएंगे? जोर से, कल आपको क्या खाना है? जो कन्हैया खिलाएंगे हम वो खाएंगे, जो खिला दो प्रभु। नमक रोटी खवाना, हलवा पूड़ी खवाना, छप्पन भोग खवाना, हम तो आपके पीछे। कल हम लोग जमीन में सोएंगे के गद्दे में? जल्दी बोलो। जहां भगवान सुलाएंगे वहां तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। सदा किसकी मर्जी से चलना? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम तो देखो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ऊपर जाने की। आप लोगों ने कुछ की कि नहीं तैयारी अपनी? मैया, आपकी कोई तैयारी बनी? हम तो तैयारी में लग गए, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तैयारी करो, वो कर लेना चाहिए, यही समझदारी है। अब कई लोग, अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, मरने मराने की, क्यों नहीं मरोगे? तुम्हारे बाप दादे नहीं मरे? जब आप लोग वृंदावन आए हैं तो तैयारी से आए हैं कि नहीं? कपड़े अपड़े लेके आए, लड्डू वड्डू ले आए, पता नहीं वहां मिलता खाने को नहीं, अपना गुजिया बना के ले आए। जब आप लोग वृंदावन आए तो तैयारी से आए, आप मेहमानी में जाते हैं तो तैयारी से जाते हैं, और सदा के लिए जहां जाओगे क्या वहां के लिए कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए? तैयारी करो। क्या तैयारी है? रोज कथा सुनो, रोज भगवान का नाम जपो, रोज सेवा करो अपने माँ बाप की, रोज जरूरतमंदों की सेवा करो। सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए दास अनिरुद्ध रोज सेवा करता है। यहां हजारों संत रोज भोजन करते हैं, ये संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए ये दास तैयारी करे। यही तो तैयारी है, मरना है, चुटकी भर मुट्ठी भर जाएगा नहीं, एक रुपया भी मैं अपने संग नहीं ले जा सकता, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो पुण्य मैं कर रहा हूं, जो धन, धन तो नहीं ले जा सकता, पर धन को पुण्यों में लगा के, आप अमेरिका में पैसे नहीं चला सकते, डॉलर तो चला सकते, तो बैंक में रुपया जमा कर दो, वहां से क्या मिल जाएगा? डॉलर मिल जाएगा, वो अमेरिका में चलेगा। उसी तरह धन आए तो धर्म से जोड़ दो, धर्म करने से पुण्य मिलेगा, वही पुण्य का पैसा भगवान के यहां चलता है, और कोई रुपया नहीं चलता, पुण्य का पैसा चलता है। इसलिए जितना पुण्य कमा सको